कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि ज्ञानता मैक्स की वैन में, जहाँ सब लोग वैन को साफ करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ सब लोग गाड़ी के अंदर जितने भी बॉक्स है वो बाहर निकालता है, और इसी दौरान एक बॉक्स के अंदर ग्वेन को एक ब्रेसलेट मिलता है। फिर ज्ञानता तो पूछते हैं कि ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, और ज्ञानता भी कहते हैं एक मैं तुम्हारा ज्ञानी का है। ग्वेन कहते हैं ज्ञान मारा, बोलते हैं हाँ एक लंबी कहानी है। फिर बोलते हैं जब मैं, और फिर सब लोग कहानी सुनने के लिए उतावला हो जाते हैं और ज्ञानता मैक्स के साथ कहानी सुनने के लिए तैयार होते हैं। और फिर ज्ञानता मैक्स बोलते हैं कि चलो आप सबको मैं कहानी बताता हूँ क्या था। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है तीन चार प्लेन, और प्लेन जो चला रहा है वो है ज्ञानता मैक्स। ज्ञानता मैक्स की ये पहले की कहानी है जब वो प्लमर थे। यहाँ दिखाया जाता है कि एक एलियन शिप इनके ऊपर अटैक करता है, और ज्ञानता मैक्स के सामने जो काला सा बदल है उसके सामने ये एलियन था, और ये एलियन शिप उनकी दो शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर ज्ञानता मैक्स के सामने वो डिस्ट्रॉय करने के बाद गिर जाता है, और फिर उनकी प्लेन की फ्यूल ख़त्म हो जाती है। और ज्ञानता मैक्स उस एलियन शिप के पीछा करता है, पीछा करते करते उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाती है। इसी दौरान फ्यूल खत्म होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और यही देखकर एयरफोर्स की चीफ उसे बहुत डांटती है कि तुमने ये गिराया क्यों, इतने महंगी रॉकेट। लेकिन ज्ञानता मैक्स कहते हैं कि इसी दौरान एक एलियन नीचे धरती में गिर पड़ी है, लेकिन जनरल उसकी बात समझ में नहीं आती, वो कहती है कि ये झूठ है। ज्ञानता मैक्स की बात वो विश्वास नहीं करती है, और फिर उसे धमकी देती है कि अगर एक और बड़ी ऐसी हुई तो तुम्हें यहाँ से निकल दिया जाएगा। और उसके बाद जनरल चीफ उसे फौरन बुलाती है और फिर उसके साथ बात करने लगती है, उसे कहती है कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक एलियन गया है, और वो मान भी जाती है जनरल। और फिर उसे एक ऑफर देती है ज्ञानता मैक्स को, क्या तुम चांद में जाना चाहोगे। ज्ञानता मैक्स कहते हैं हाँ, ये मेरा बहुत दिन का सपना है, मैं ज़रूर करूँगा। उसे एक एप्लीकेशन देता है। फिर ज्ञानता मैक्स बहुत खुश होता है कि मेरा बहुत दिन का सपना पूरा होगा। और इसके बाद बोलते हैं तो तुम्हारी जर्नी शुरू होगी। फिर ज्ञानता मैक्स बहुत खुश होकर ड्राइव करती है, और इस खुशी को दुगना करने के लिए वो एक बार में जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, और उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ज्ञानता मैक्स बोलती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा सपना आज पूरा हुआ। वो कहती है कौन सा सपना। फिर भाई